मैं ज्ञानेंद्र दुबे रियल कनेक्शन से। आज हम बात करेंगे अपने छिबरामऊ के एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर के बारे में, जिसका नाम गंगेश्वरनाथ मंदिर है, जो एक अपने यहाँ का एक ऐतिहासिक मंदिर है। भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय। ज्यादा बढ़ती जा रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और जो ऐतिहासिक मंदिर है, इसकी मान्यता हद से ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा मान्यता है कि लोग यहाँ सिर्फ देखने ही नहीं, भगवान को इतना मानते हैं। और आज तो जैसे कि शिवरात्रि है, आप लोग जानते हैं, शिवरात्रि के पर्व पर भगवान भोले की सभी पर कृपा बनी रहे। हम तो भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, हो तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। बुजुर्ग हैं, उनसे हम बात करेंगे इस मंदिर के बारे में। जी बाबा जी, ये मंदिर कितने साल पुराना होगा? ये करना वगैरह 450 वर्ष पुराना है। 450 वर्ष पुराना? हाँ। तो बहुत ही पुराना होगा। तो पुराना है। और यहाँ पर जो है, जो सिद्ध पीठ हमारी है गंगेश्वरनाथ मंदिर की जी, इसकी अजीब कहानी है जी। कहानी कुछ बताएंगे आप? हाँ, कहानी उसमें ये है कि यहाँ पर जो संत जी आए थे, मैं रहते थे जी, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई शिवलिंग अच्छा नहीं है, तो मैं जाऊंगा गंगा नहाने के लिए, तो बांस लाएंगे। तो वो संत जी यहाँ से गए और गंगा जी से प्रार्थना की कि ये माँ, हमारे यहाँ कोई शिवलिंग बढ़िया नहीं है और आप हमको दीजिए। तो गंगा जी से जो है वो शिवलिंग निकला। गंगा जी से ये शिवलिंग निकला हुआ है, यहाँ लेके आए थे वो? हाँ, तो वो गंगा जी निकले, वो महात्मा जी ले आए। तो पहले बहुत बड़ा सा निकला, तो उन्होंने देखा संत जी ने, वो हम बच्चे नहीं उठाएगा, तो उन्होंने कहा माता ऐसा दो जो कि हम लिए जाएं। तो वो शिवलिंग फिर दूसरा जो है तो आया, और वो यहाँ पर लेकर के उन्होंने स्थापना की। तब से ही हमारा मंदिर जो है सब्ज है, और यहाँ पर शिवरात्रि को मेला लगता है बहुत बड़ा, और हम लोग जो है दर्शनार्थी बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ। नीलकंठ पर चढ़ के पी गया एक बाल्टी बांग, नीलकंठ पर चढ़ के पी के एक बाल्टी बांग, वो भोड़ा वो भोड़ा। अपने झूला वालों से, भाइयों से कि ये कब से यहाँ से आ रहे हैं, और आइए हम बात करते हैं इनसे। भाई साहब, यहाँ से कब कब कितने दिन के लिए आए यहाँ? हम 4-5 दिन के लिए। 4-5 दिन के लिए आए हुए? कहाँ से आए आप लोग? दिव्यापुर। दिव्यापुर से आए हुए हैं भैया? ये जो दिव्यापुर से आए हुए हैं, और देखिए इनका जो इधर झूला चल रहा है, आप देख रहे हैं कि ये बच्चों के लिए काफी मनोरंजक, सभी हम जो लोगों के लिए मनोरंजक है ये। कहाँ से आए हुए आप? कहाँ से आए हुए आप? बजाइए। हजानगंज से? अच्छा अच्छा, तो ये बच्चों के लिए कि सभी लिए हैं? लोगों के लिए? सबके लिए, सभी लोगों के लिए। गोरा माने नू सोची भोले में बढ़ गए भूत, रामा ने नू सोची भोले में बढ़ गए भूत, कदे पा कदे शर कदे पाया ने पटिका, कदे वो शर ने पटिका। मतलब कोई भी सामान आपको, हर तरीके का सामान यहाँ पे मिलेगा। हम बात करेंगे अपने भैया जी। भैया जी, आपको कितने साल हो गए यहाँ दुकान लगाते लगाते? यहाँ हमको 10 साल है। 10 साल हो गए? 10 साल जी। 10 सालों में क्या मतलब, कैसा क्या प्रॉफिट आता है आपका? प्रॉफिट सही आ जाता है। आप यहाँ से कब से दुकान लगा रहे हैं? यहाँ तो हमारी बहुत पीढ़ी गुजर गई है, बहुत जमाने से आ रहे हैं। कहाँ से आते हैं आप लोग? यहीं से आते हैं, छिबरामऊ से। हाँ। भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय।
जी भैया ये कब से मतलब कब के कब से ये मेला लग रहा है यहाँ पे? ये मेला तो हमारी जन्म से लग रहा है, जब से हम देख रहे हैं तब से। बहुत पुराना मेला है, ऐतिहासिक मेला है और बहुत बच्चे यहाँ आते हैं। शाम को बहुत भीड़ होगी, अभी तो शुरुआत है मेले की। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मेला बढ़ेगा। मेला अभी भी बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा? मेला बहुत बढ़ेगा और शाम को यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तमाम जो सब बढ़ जाएगा, सब कुर्सियाँ खचाखच भरी होंगी, आइसक्रीम झोपटी चलेगी सब। तो मतलब शाम तक पूरा सामान सबका समाप्त हो जाता है? सामान सबका समाप्त होगा, मेला बहुत बढ़िया होगा, सबकी बिक्री होगी, भगवान की भोले कृपा होगी सबके ऊपर। देखना आप शाम को सब बिल्कुल सबको तंगे होके जाएंगे। जी भैया बताइए। भगवान शिव पुरातन शिवलिंग इस मंदिर में स्थापित है जी, जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों कहते हैं कि ये भूतत्व है, पृथ्वी से निकला है। पहले यहाँ महंत थे हमारे परम पूज्य ददुआ जी, उनके बारे में, उसके शिवलिंग के बारे में उन्होंने कई बार उस पर चर्चा की है। भगवान शंकर का ये मंदिर बहुत प्राचीन है, इसके विषय में इतिहास से लेकर अभी तक कोई बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन मान्यता के अनुसार मंदिर बहुत सिद्ध है और बहुत प्राचीन है जी। वो तो भीड़ देख, मंदिर की भीड़ देखकर ही आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी मान्यता क्या है और कितने साल मंदिर ये पुराना होगा जी। मंदिर को मंदिर का वर्णन सालों में करना मुश्किल है, और ये बिल्कुल निश्चित है कि मंदिर बहुत सिद्ध है। भगवान शंकर यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, शिवलिंग बहुत सिद्ध है, दर्शन करने से सब भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए यहाँ प्रति सोमवार से लेकर महाशिवरात्रि और सावन के महीने में भक्तों का तांता लगा रहे। नाथ मंदिर की मान्यता बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि ये किसी संत द्वारा गंगा जी से लाए गए थे। ये गंगेश्वर नाथ जी ये प्राचीन मंदिर है, भक्तों की यहाँ ज़्यादा ज़्यादा भक्ति का जो है फल मिलता है, और जो मनोकामना करते हैं उन्हें पूर्ण मिलती है। और आज महाशिवरात्रि है, 51 साल बाद ये पड़ा है, बड़ा ही पुण्य का दिन है, इसलिए भोलेनाथ के दरबार में बहुत ही भीड़ और उत्साह से लोग उपस्थित हो रहे, दर्शन कर रहे हैं और अति प्रसन्न है लोग, उनके दर्शन से अपने मनोकामना पूर्ण कर। पाँच साल से हाँ, तो आपने यहाँ कुछ भगवान जी से भोले जानते से मांगा? हाँ बहुत कुछ मांगा, तो आपको पूरा मिला सब कुछ? पूरा मिला, पूरी मनोकामना भी आपकी सब कुछ पूरी होती है? हाँ पूरी होती है, जो भोले बाबा से मांगते हैं वो सबकी पूरी मनोकामना होती है। कोतवाली के सामने, ये पहली बार दुकान लगा रहे हैं कि आप हर साल यहाँ? हमेशा लगती रही है, हमेशा हमेशा लगती है जी। तो ये किस किस का आप दुकान में सामान है? ये भगवान पूजा संबंधित सीनरी, फोटो, धार्मिक किताबें और हर यहाँ झाड़ू मंदिर में लगाते हैं, यहाँ काम मंदिर में झाड़ू सफाई करते हैं। तो यहाँ अकेले आए अपने मम्मी साथ आए हैं? मम्मी के साथ। मम्मी के साथ, आपकी मम्मी कहाँ है? उधर है। आप यहाँ मतलब मेला देखने आए हैं या सिर्फ आपकी मम्मी पूजा करने आई हैं? मेला देखने। आप मेला देखने आए हो, आपने पूजा करके आए आप? हाँ। आपने पूजा की? हाँ। तो आपने भगवान जी से क्या मांगा था? कि हम पढ़े लिखे अच्छे बने।